अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ मटन की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि काफ़ी डिलीशियस बनता है। वैसे मटन तो प्याजा तो हर किसी का फेवरेट होता है, बट कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं खाना पसंद करते कि उसमें जो खड़े मसाले होते हैं वो बाइट्स में आते हैं और पूरा मूड ख़राब हो जाता है। तो इसी का सलूशन लेकर हम आए हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिए। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम मटन को धो लेंगे। यहाँ पर हमने 300 ग्राम प्याज लिया है जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है। 2 लहसुन की पोटली लेंगे। अब मटन को हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मटन को कुकर में ऐड कर लिया है। इसी में हम ये सूखी वाली मिर्च भी डालेंगे, ड्राई चिली जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। हमने 7 मिर्च इसमें ऐड किया है। अब प्याज भी इसी में डाल देते हैं। चलिए हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। तो नमक जो है आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप खाते हो। छोटे टीस्पून से 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब खुशबू के मसाले इसमें डाल देते हैं जिसमें हमने पत्थर के फूल ले लिए हैं। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून ये कबाब चीनी लिया है। यहाँ पर हम लेंगे 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च और बड़े टीस्पून से भर के लेंगे साजीरा। 1 स्टार लेंगे, 7 से 8 लौंग लेंगे, दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और इलायची को आप थोड़ा सा क्रश कर लें। जावित्री का टुकड़ा लेंगे। इसमें जो है ना कबाब चीनी और साजीरा ज़रूर ऐड करें, इससे जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है मटन में। तेज़पत्ता डालेंगे। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसे कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर हम 2 से 3 विसल आने देते हैं। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और जब स्टीम पूरी तरह से रिलीज हो जाए तब हम यहाँ पर लेड हटाएंगे। और आप देख सकते हैं प्याज वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। वैसे मटन जो है 80% तक कुक हुआ है, 20% अभी हमें पकाना है। तो इस तरह आप मटन को कुक करें, जिस तरह से आप मटन पकाते हो तो उस हिसाब से आप टाइम देखकर आप इसे रखें ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि आगे हमें इसकी भुनाई करनी है। तो इस स्टेप पे मटन अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना तो आगे हम भुनाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो मटन करी नहीं बन पाएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब मटन यहाँ पर देखें, जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाए, 80% कुक हो जाए, तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो अभी इसमें सारे खड़े मसाले दिख रहे हैं ना सारे हम अलग कर लेंगे। तो इन सभी खड़े मसालों को ठंडा करने के बाद हम मिक्सी की जार में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। और वैसे जब हम ये दो प्याजा बनाते हैं तो ये सारे मसाले वगैरह फेंक देते हैं, तो इन्हीं मसालों से हम करी बनाएंगे जो कि बेहद लजीज बनने वाला है। जब तक मसाले ठंडा हो रहे हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में 3 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमने यहाँ पर क्यूब ले लिया है। और ऑयल जब गर्म हो ना तो गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 2 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। अच्छी तरह से हम इसे भून लेते हैं। यहाँ पर हमें मसालों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है और तुरंत यहाँ पर हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। अब लो फ्लेम पर हम मटन को अच्छी तरह से भून लेते हैं 5 से 6 मिनट। इससे जो है ना मटन में बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाता है। वैसे अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली ना हो तो यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसके पहले जो हमने सूखी मिर्च इसमें ऐड की है वो आप कम डालें, तो इसलिए ये तीखा भी नहीं होगा और इसमें कलर भी आ जाएगा। यहाँ पर जब तक मटन की भुनाई हो रही है हम जो है ना मसाला ग्राइंड कर लेते हैं, और मटन के साथ हम इसमें आलू भी ऐड कर लेंगे। साथ में हम आलू की भी भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम आलू मटन करी बना रहे हैं और ये दो प्याजे वाला जो ग्रेवी से ये बनता है ना इसमें आलू भी डालकर बनाते हैं ना तो बहुत ही लजीज बनता है। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखें। वैसे अगर आपको आलू पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर दें। तो सारे खड़े मसालों का हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है और आप देख सकते हैं इस पेस्ट से जो है ना बहुत ही अच्छे से इसमें ग्रेवी बनने वाली है। अब लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे क्योंकि मटन भी 80% तक कुक हुआ था। तो यहाँ पर जो है 20% तक मटन को भी हमें पकाना है। हमने इसमें आलू भी ऐड किया है तो आलू को भी सॉफ्ट करना है। तो 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे कवर करेंगे। बीच बीच में आप इसे चला भी सकते हैं, चेक कर लीजिए ताकि ये तलवे में ना चिपके।
तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो मटन की अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाती है और सारी चीज़ें सॉफ्ट भी हो जाती हैं। मिक्सी की जार में हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेंगे, जो भी उसमें मसाले लगे हैं ना वो मसाले हम साफ़ करते हुए हम इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसे कवर कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो मसाला जो है ना तलवे में चिपकने लगेगा, तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ज़रूर ऐड करें। 10 मिनट के बाद यहाँ पर हम लेड हटाएंगे और यहाँ पर आप इसका मटन का लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर इसकी भुनाई भी हो चुकी है। और वैसे तो मटन और मसाले सारी चीज़ पहले ऑलरेडी हमने कुक भी कर लिया था, और यहाँ पर हमने आलू और मटन के साथ मसालों की अच्छी तरह से भुनाई भी कर ली है। तो आप देख सकते हैं बेहद लजीज यहाँ पर ये मटन बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मटन भुना पसंद है तो इस स्टेप पे गैस की फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि पीसेस भी काफ़ी टेंडर हो चुका है, आलू भी सॉफ्ट हो चुका है। बट यहाँ पर हम भुना नहीं बना रहे, हम बनाएंगे मटन करी। तो हमने 2 कप पानी को बॉयल कर लिया है, और हाँ, जब कभी भी करी बनाने के लिए अगर पानी का आप यूज करें ना, तो बॉयल किया हुआ ही पानी आप यूज करें। तो हमने इसमें बॉयल किया हुआ पानी डाला है। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और 5 मिनट के लिए जो है हम इसे दम के लिए रख देते हैं। 5 मिनट में जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ऑयल को पूरी तरह से ऊपर हम सेपरेट होने देंगे। इसमें हम अलग से कोई मसाले वगैरह नहीं ऐड करेंगे। इसमें हम हरी मिर्च का इस तरह से छोटा छोटा क्यूब काट कर डाल देते हैं। अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना स्किप कर दें। और अभी तो फिलहाल हमारे पास जो है ना अदरक नहीं है, अदरक का हमने पूरा पेस्ट बनाकर रख लिया है। तो अदरक को भी आप स्लाइस में काट कर इसमें डाल सकते हैं। बेहद लजीज बनता है ये मटन करी। तो आप लोग इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हो, आप ये मटन करी बना रहे हो ना, तो यकीन माने जरूर ये रेसिपी पूछ कर जाएंगे कि आपने कैसे बनाया है। बनाना जितना सिंपल है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये लजीज है। आई होप कि आज की ये मटन करी की रेसिपी पसंद आई होगी। वैसे हमारे चैनल पर जो है मटन करी की और भी सारी रेसिपीज हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिंक दे देंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए, खड़े मसालों से बनने वाली यहाँ पर मटन करी बेहद लजीज बनी है। इसकी खुशबू बता नहीं सकते कि कितनी अच्छी आ रही है। जब आप इसे बनाएंगे ना, तो पड़ोसी भी आपसे पूछ कर जाएंगे कि आज आपने खाने में क्या बनाया। और खाने की तो बात ही छोड़िए, इतना बेहद लजीज बनता है ये। तो यहाँ पर लग रहा है कुछ ज़्यादा तारीफ हो चुकी है। आप लोग जाइए जल्दी से, आप लोग भी बनाइए, फैमिली के साथ इंजॉय करिए, और हमें भी दुआ में याद रखिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस तरह से घर बैठे आप इजी रेसिपी ट्राई कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।